जो लोग कल तक आपके आगे सर झुकाते थे, आज वही आपको आंखें दिखाते हैं। जिनकी औकात आपसे बात करने की भी नहीं थी, आज वही आपकी बुराइयां करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि बुरे लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो फिर अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक अच्छा इंसान अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, वहीं एक बुरा इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। और खुद के बारे में सोचना, खुद का भला चाहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आप खुद पर ध्यान नहीं देते। आप खुद ही अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसलिए आज से और अभी से खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मजाक ना बनाए, इसलिए मेरी 9 बातों को आज से सीरियसली लेना शुरू कर दो। लोग आपका मजाक नहीं, आपकी इज्जत करेंगे, आपके आगे सर झुकाएंगे। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, कौन मुझे छोड़कर जा रहा है, कौन मुझे नीचा दिखा रहा है, कौन हमसे जल रहा है। इन सब बातों की टेंशन मत लिया करो और खुद के बारे में ध्यान दिया करो। जब कोई लंबे समय तक साथ रहने के बाद हमें छोड़कर जाता है, तो मानो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। वहीं जब कोई हमें इग्नोर करने लगता है, हम पर उल्टे सीधे कॉमेंट्स पास करने लगता है, तब भी हमें उसकी बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे में हम अंदर से टूट जाते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लिए होता है क्योंकि हम खुद पर नहीं दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको दूसरों की बातों से या किसी के छोड़कर जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसे आपकी फिक्र होती तो वो आपको छोड़कर क्यों जाता? खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। मेरी बात सही लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आई अग्री जरूर लिख देना। दूसरा पॉइंट है, मैं तो कहता हूँ ये बात पत्थर पर लिखवा लो कि लोग पैसों को ही पूछते हैं, इंसान को नहीं। ये जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा। हम अपनी ओर से कितनी भी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी सामने वाला उसी का साथ देता है जो चापलूस होता है, पैसे वाला होता है। क्योंकि आज के टाइम में लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास पैसा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि एक गरीब इंसान खुद ही अपनी लाइफ से दुखी रहता है, तो वो उनकी हेल्प कहाँ से करेगा। और इसी सोच की वजह से उन्हें गरीब इंसान की ईमानदारी, उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देती। वो बस पैसे वाले के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसलिए अब भी वक्त है, खुद को संभाल लो और मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपके दोनों हाथ खाली रहेंगे तो आपके अपने भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ओवरकम योर फियर्स। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर किसी भी बात का डर ना हो। उसके अंदर किसी न किसी बात का डर जरूर होता है, और उसका यही डर उसे सक्सेसफुल होने से रोकता है। उदाहरण के लिए 5 लोग हैं और हर किसी के पास 5-5 लाख रुपए हैं, और ये 5ों एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का डर है कि कहीं मेरा सारा पैसा डूब ना जाए। पर इन 5ों में से एक बंदा हिम्मत करके एक बिजनेस शुरू करता है, और देखते ही देखते उसका बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। पर जिन लोगों ने यह सोचा था मैं अपने पैसे बचा कर रख लूंगा, आज उनके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। अगर ये भी उन चारों की तरह डर कर आगे नहीं बढ़ता, तो आज उसके पास भी एक भी पैसा नहीं बचता। इसलिए अपने डर पर काबू करो और एक नया इतिहास लिखो। चौथा पॉइंट है, अगर आपको खुद पर ध्यान देना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपको अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है जिससे आपको आगे बढ़ने में और आपको खुद पर ध्यान देने में हेल्प मिल सके। आप जिस भी तरह के माहौल में रहते हो, आपके आसपास का माहौल ही ये डिसाइड करता है कि आपका मूड किस प्रकार का होगा, आपकी सोच कैसी होगी। इसलिए अगर आप एक इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आप हर दिन खुद को इंस्पायर्ड फील करोगे। वहीं अगर आप डेली वाद विवाद शोर शराबे टेंस भरे माहौल में रहते हो, तो आपका माइंड भी हमेशा डिस्टर्ब फील करेगा, भले ही आप कितना भी कूल रहने की कोशिश कर लो। ऐसे में आप ना तो खुद पर ध्यान दे सकोगे और ना ही अपनी फैमिली पर। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखो जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहे। 5वां पॉइंट है, अगर आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद को एक काबिल इंसान बनाना है, तो आपको एक्शन लेना होगा। क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। एक आदमी बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है, पर उसे उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जहां काम कर रहा था वहां सैलरी बहुत कम थी। उसके मन में ये आइडिया चल रहा था कि एक दिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, पर प्रॉब्लम ये थी, वो सोचता तो था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन वो कुछ भी करता नहीं था। उसकी लाइफ जैसी चल रही थी
वैसे ही उसे ठीक लग रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी पूरी लाइफ निकल गई और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको आगे बढ़कर आना होगा और अपना नाम कमाना होगा। छठा पॉइंट है, अगर आप किसी बात का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या खुद को ही एक चुनौती देते हो तो ऐसे में आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा, वैसे तो लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें ताव दिलाता है वैसे ही वो कह देते हैं कि जितना तू एक साल में कमाता है उतना मैं दो महीने में कमा लेता हूँ। एक्चुअली जहाँ भी चैलेंज वाली बात आती है वहाँ हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस चैलेंज को जीतने के लिए। इसलिए आपको खुद को ही एक चैलेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक्सरसाइज करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का चैलेंज कर सकते हो, बॉडी बनाने का चैलेंज कर सकते हो। ऐसे में होगा ये, आपने जो भी चैलेंज अपने लिए चूज़ किया है आप उस चैलेंज को बहुत जल्द पूरा कर लोगे। सातवां पॉइंट है, लर्न टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। देखो यार, अगर आप लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको हर तरह के इंसान से डील करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जिनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारी एक गलती से हमें बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए आपको हर तरह के लोगों से डील करना आना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पर चाणक्य नीति देख सकते हो, चंड चालाक कैसे बने इस टॉपिक की वीडियोस देख सकते हो, चालाकी कैसे करते हैं ये सीख सकते हो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको ये सिखा सकती हैं कि लोगों से कैसे बात की जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, उनको कैसे समझा जाए। जब तक आप ये सब नहीं सीख जाते तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। आठवां पॉइंट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप थक चुके हो, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। देखो यार, हर इंसान को एक छोटे से ब्रेक की जरूरत पड़ती है ताकि वो दुगनी स्पीड से अपने काम को पूरा कर सके। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक हर फील्ड में काम करने वालों को हर महीने छुट्टी दी जाती है ताकि वो काम करते करते बोर ना हो। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में भागते भागते थक गए हो तो आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि आप फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ऐसे में आप खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हो और कुछ नया कर सकते हो जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। नौ पॉइंट है, अपना कीमती समय फालतू के मैसेजिंग ऐप्स पर बर्बाद मत करो। जहाँ एक और डिजिटल दुनिया होने के बहुत सारे फायदे हैं तो वहीं इंटरनेट की दुनिया के बहुत सारे लॉसेस भी हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपका काफ़ी समय वेस्ट कर देती हैं और इन ऐप्स की लत हमें बर्बाद भी कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं यार, इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ले लिया तो क्या हो गया। देखो यार, खुद को एंटरटेन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर घंटों किसी ऐप पर अपना टाइम वेस्ट करना ये सही नहीं है। आपको अपना टाइम वहाँ स्पेंड करना चाहिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। इसलिए अगर आपको खुद पर ध्यान देना है तो आज से उन सभी ऐप से दूरी बना लो जो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाती। बाकी यार, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जबरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यार, अगर आप लोग अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।